1105 दिन पहले मेरा वेट था 47 kg। बहुत सारे रिसर्च और एक्सपीरियंस के बाद आई बिकेम 77, द हैवीएस्ट आई हैव एवर बीन। पर मुझे पता है कि मैं ये स्किनी से मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन और जल्दी कर पाता अगर मैं कुछ गलतियों से दूर रहता। आज हम बात करने वाले हैं 5 कॉमन बल्किंग मिस्टेक्स के बारे में जो आपका प्रोग्रेस स्लो डाउन कर रहे हैं। भाई और बहनों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक नए वीडियो में। मेरा नाम साकेत गोखले है और मेरा गोल है आपकी मदद करना और आपको हर हफ्ते एक मज़ेदार तरीके में कुछ नया सिखाना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मेरा कोई फ्यूचर वीडियो मिस करें। एट नंबर 5 वी हैव नॉट ईटिंग इनफ, या आप कितना खा रहे हो उसे ओवर एस्टिमेट करना। मुझे हर रोज एटलीस्ट 20 मैसेजेस आते हैं, भाई एक साल से मेरा वेट बढ़ नहीं रहा, मैं हर दिन बहुत सारा खाना खाता हूँ, आई शपथ। नहीं, आपको लगता है कि आप बहुत सारा खाना खा रहे हो, बट इन रियलिटी आप एक कैलोरी सरप्लस में नहीं हो। दो चीज़ें जिन्हें इस्तेमाल करने की आदत आपको आज से डालनी चाहिए, एक किचन वेइंग स्केल और एक फूड मेजरिंग ऐप। अगर एक महीने से या एक साल से आपका वजन नहीं बढ़ रहा, देन इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट ट्रैकिंग योर फूड। आपके पेट के अंदर जो भी खाना जाता है उसे एक किचन वेइंग स्केल की मदद से तौलना चालू करो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा प्री वर्कआउट मील है, 3 पूरे अंडों के साथ 3 चपाती। पर रुको, क्या मुझे पता है कि इसका वजन कितना है? नहीं, देन आई विल वेट 135 ग्राम्स। अब जो भी तौला है उसे एक फूड मेजरिंग ऐप में एंटर करो। मैं माई फिटनेस पैल नाम के ऐप को इस्तेमाल करता हूँ। सो ऐड फूड, अंडे, 3 एग्स, चपाती, हमने मेजर किया था 135 ग्राम्स, 135, एंटर और एंटर, हमारा ये मील यहाँ पर ऐड हो गया। तो मुझे पता है कि इस मील में मैंने 503 कैलोरीज खाए और मुझे मिला 29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 64 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स वगैरह वगैरह। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, सुबह उठते उठते मास गेनर पीते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, रात को इतनी सी चावल और इतनी सी दाल खा के सो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ मास गेनर लेने से वो सेट है पूरे लाइफ के लिए, पर क्या उनका वजन बढ़ता है? नहीं। देखो, मास गेनर एक हथियार होता है जिसका इस्तेमाल करके आप वेट गेन आसानी से कर सकते हो, पर क्या आपको मास गेनर्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनमें इतने ज़्यादा कैलोरीज नहीं होते जितने आप समझते हो। अगर आपने एक मास गेनर सप्लीमेंट खरीदा है तो उसके एवरेज सर्विंग में 600 से 700 कैलोरीज रहते हैं। बहुत हाई चांसेस है कि अगर एक हाई मेटाबॉलिज्म होने की वजह से आपका वेट नहीं बढ़ रहा तो मे बी आपको हर दिन 3000 कैलोरीज खाने चाहिए। सिर्फ मास गेनर कंज्यूम करने से आप उस नंबर तक पहुंचने नहीं वाले, पर खाना खाने से और मास गेनर की सहायता लेने से आप उस नंबर तक ज़रूर पहुंच पाओगे। एंड बाय द वे, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप मास गेनर सप्लीमेंट खरीदें। अगर आपके पास पैसे हैं तो वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करो और उस वे प्रोटीन की मदद से घर पर खुद का एक मास गेनर बनाओ। रेसिपी की लिंक आप लोगों को इधर या इधर, पता नहीं किधर, तो मिल जाएगी। बल्किंग करते वक्त आप थोड़ा सा फैट गेन करोगे, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी स्किनी बंदे को बस मेंटली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, पर कितना फैट आप गेन करोगे वो आपके कंट्रोल में ज़रूर है। जितने जल्दी आप वेट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आप फैट पुट ऑन करोगे। इट्स ऑलवेज बेटर टू इंक्रीज योर वेट एज स्लोली एज पॉसिबल। लीन बल्किंग करो और एक स्लाइट छोटे से कैलोरी सरप्लस में खाओ। मैक्रोज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखो। बिगिनर्स या जो लोग इस पूरे ट्रेनिंग के एनवायरनमेंट में नए हैं वो हर हफ्ते 500 से 700 ग्राम वेट इंक्रीज कर सकते हैं, पर ज़्यादा एडवांस्ड और एक्सपीरियंस लिफ्टर्स को एक हफ्ते में 100 या 200 ग्राम से ज़्यादा वेट इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ, पर अगर आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट चाहिए तो हर दिन आपके बॉडी वेट को लेना चालू करो और आपके वजन को प्लीज़ सुबह सुबह चेक करना, क्योंकि तब आपके पेट के अंदर कोई खाना या पानी नहीं रहता, इससे आपको एक ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं अपने वेइंग स्केल को बाथरूम में रखता हूँ और ब्रश करने के बाद मेरा वज़न लेता हूँ। ईजी। अब देखो, हर दिन आपका वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, बट आपको वेट का ट्रेंड देखना है। हर हफ्ते या हर 10 दिनों में एक बार
बस देखो कि आपका वेट ऊपर जा रहा है या नहीं। अगर आपको दिखता है कि आपका वेट बढ़ नहीं रहा तो अगले दिन से अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू 100 कैलोरीज ऐड करो। लोग ट्रेनिंग रिलेटेड सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। आइदर आप होशियारी से ट्रेन नहीं कर रहे हो और यू आर जस्ट नॉट ट्रेनिंग हार्ड इनफ। अगर आपके जिम के बॉडी बिल्डर ने या ट्रेनर ने कहा है कि वो हर दिन एक मसल ग्रुप ट्रेन करते हैं तो प्लीज़ उन्हें कॉपी मत करना। अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर हो तो मैक्सिमम मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको हर मसल ग्रुप को हर 48 घंटों के बाद ट्रेन करना चाहिए, मतलब हफ्ते में कम से कम 2 बार। तो प्लीज़ ब्रो स्प्लिट से दूर रहो एंड ट्रेन स्मार्टली। ट्रेनिंग के अंदर ही एक पॉइंट है स्ट्रेंथ। लोगों को लगता है कि या तो आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर सकते हो या हाइपरट्रॉफी के लिए। रियलिटी में दोनों कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। आपका मसल मास बढ़ रहा है या नहीं ये जानने के लिए आपके स्ट्रेंथ प्रोग्रेस को ट्रैक करने से बेहतर कुछ नहीं होता। जिम के अंदर पैर रखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप आज क्या ट्रेन करने वाले हो, आपने लास्ट टाइम उसी दिन पे कितना वेट उठाया था, उस वेट के साथ कितने सेट्स और रेप्स लगाए थे और आज आप कितने वेट के साथ कितने सेट्स और कितने रेप्स लगाओगे। पावर बिल्डिंग की भाषा में हम इसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज पुश डे है तो आप देखोगे मैंने लास्ट टाइम 60 kg बेंच किया था 4 sets 8 reps के लिए, तो मैं आज वही 4x8 62.5 kg से करने की कोशिश करूँगा। ये है बेसिक प्रोग्रेसिव ओवरलोड टू मेक श्योर यू आर इंक्रीजिंग योर मसल मास। एंड गाइज, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री लेग्स पुश पुल प्रोग्राम बनाया हुआ है। जिम शुरू होने के पहले ये ज़रूर देख लेना, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर एक बेसिक समझदारी मिलेगी। इसी के साथ आज का छोटा सा वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला एंड प्लीज़ इन 5 गलतियों से दूर रहो एंड आई कैन प्रोमिस यू कि आपको जल्द से जल्द रिजल्ट दिखेंगे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे देना और दिल से पसंद आया तो एक फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसे वेट गेन करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। खूब सारा प्यार, मेहनत करते रहना। मैं मिलूँगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में।